नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल और आप सभी मेरे साथ देख रहे हैं एशियन भारत। आज अंतरिम बजट पेश हो चुका है और इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे निर्मला के पिटारे में क्या। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन भारत में। धन्यवाद रुचिका। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये बजट जो है वो अगले कुछ माह को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। बिल्कुल सही कहा, बजट केवल 4 महीने के लिए अंतरिम बजट है, आम बजट चुनाव के बाद आएगा, तो 4 महीने के लिए बजट है ये। लेकिन इस बजट में जो दृष्टि है सरकार की वो दीर्घकालिक है। सरकार की नीतियां बदलती नहीं है, चाहे 1 महीने का बजट हो, चाहे 4 महीने का हो, चाहे 12 महीने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों एक भाषण में कहा था कि इस देश में 4 ही जातियां हैं, गरीब, महिलाएं, किसान और युवा, और इन चारों वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है। गरीबों का ध्यान रखा गया है, किसानों का ध्यान रखा गया है, महिलाओं का ध्यान रखा गया है, युवा वर्ग का ध्यान रखा गया है। नौकरियां बनाने के लिए प्रावधान है, स्टार्टअप के लिए काफी सारी योजनाएं हैं, तो बहुत सारी बातें हैं, सरकार की नीतियों को प्रतिबिंबित करता है ये बजट। जैसे कि आपने कहा कि 4 लोगों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है, गरीब हो, महिला हो, किसान हो या फिर युवा हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव के पहले ये जो बजट पास हुआ है वो अमली जामा भी पहनाया जाएगा सरकार के द्वारा? बिल्कुल पहनाया जाएगा, क्योंकि बजट एक दस्तावेज है और सरकार बजट के हिसाब से काम करती है। अब तक कई लोग ये समझते हैं कि बजट मतलब चीजें महंगी होगी, सस्ती होगी, कौन सी चीजों पर टैक्स लगेगा, कौन सी चीजों पर टैक्स लगेगा। टैक्सेशन बजट का एक छोटा सा हिस्सा होता है रुचि का। बजट का मतलब है पूरी अर्थव्यवस्था को दिशा देना, स्टेरिंग घुमाना। बजट एक स्टेरिंग है जो बताता कि गाड़ी किस दिशा में जा रही है, अर्थव्यवस्था की गाड़ी किस पटरी पे जा रही है, बाएं जा रही है, दाएं जा रही है, सीधे जा रही है या नहीं जा रही है, कहीं नहीं जा रही है। तो ये सब बातें प्रकट करती, बजट की बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी कमजोरियां हैं, लेकिन जो बातें ध्यान में रखी गई हैं उसके मुताबिक एक लंबी योजना बनाई गई है, देश कैसे तरक्की करेगा। अब तक सरकार जिस दिशा में चल रही है ये बजट उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश है। मध्य प्रदेश को लेकर भी बहुत सारी अच्छी बातें इस बजट में है जिनका भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। रुचिका, आपसे जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश को लेकर क्या कुछ योजनाएं इस बजट में देखने को मिली है? देखिए, खुले तौर पर मध्य प्रदेश के बारे में कोई जिक्र नहीं किया क्योंकि देश बहुत बड़ा है जी। लेकिन दो चीजें ऐसी है, एक तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की बात की। उन्होंने जाते जाते एक बात कही थी कि मैं लखपति बहना योजना लाऊंगा, सभी बहनों को लखपति बनाऊंगा। तो निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में कहा है कि लखपति दीदी योजना हमारे पास है, हम 1 करोड़ बहनों को लखपति बना चुके हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम अगले 5 साल में 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाएं। तो लखपति बहना, लखपति दीदी हो गई, ये है। दूसरी बात यह कि इस बजट में कहा गया है कि भारत को खाद्य तेलों के मामले में हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। मध्य प्रदेश का ये इलाका जहां हम बैठे हैं इंदौर में, ये सोयाबीन वाला स्टेट है, सोया स्टेट कहलाता है मध्य प्रदेश। तो यहाँ सोयाबीन की फसल भरपूर होती है, विश्व की सबसे ज्यादा सोयाबीन पैदा करने वाला इलाका है। और अगर सरकार ये कहती है कि हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होंगे, इस दिशा में कदम उठाएंगे, इसका मतलब ये कि सरकार हमारे इलाके के सोयाबीन उत्पादक किसानों की तरफ विशेष योजना लेके आने वाली, उनका ध्यान रखने वाली। आपसे जानना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या ये बजट पास हुआ है और क्या सरकार को इससे कुछ फायदा मिल सकता है? देखिए, सरकार से आशा आपका पार्टी से यहाँ जी जी। देखिए, बजट को लेकर जो लोक लुभावन योजनाएं बनानी थी इस बजट में नहीं है। यानी टैक्स पेयर को लगता है कि शायद छूट मिलेगी, कोई छूट नहीं दी गई है। उद्योगपतियों को लगता था कोई नई चीज होगी, वैसी कोई नई चीज नहीं, लेकिन कारपोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दिया गया। ये एक बड़ी बात है कि कारपोरेट को सुविधा दी। अब लोग बोलते हैं कि साहब कारपोरेट को सुविधा दी आपने, इसमें जनता को क्या फायदा, एक आम आदमी को क्या फायदा? तो ये बात ध्यान में रखिए कि अगर इस देश का कारपोरेट सेक्टर बढ़ता है, वहां ज्यादा रोजगार जनरेट होता है, तो ओवरऑल उसका फायदा इकोनॉमी को ही होगा।
ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने बहुत ध्यान देने की बात की, यानी अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो देश ज्यादा तरक्की करेगा, उस तरह की सारी बातें उन्होंने बताई हैं। और तीन तरह की रेल परियोजनाओं की बात की गई है, तीन तरह के रेलवे कॉरिडोर बनाने की बात की गई है, उसमें से एक ये कॉरिडोर की बात है जो हाई ट्रैफिक कॉरिडोर होगा, एक पोर्ट को जोड़ने वाला कॉरिडोर होगा और एक और कॉरिडोर होगा जो फ्रेट को के लिए होगा। मतलब सरकार की निगाह में कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो बचा हुआ है। सरकार चाहती है हमारे पोर्ट जुड़े रहें, जहां ज्यादा ट्रैफिक है वहां लोगों को भरपूर वाहन मिले, ट्रेन में बैठने की जगह मिले, लंबी लंबी लाइनें ना लगे, और कुल मिलाकर अगर माल भाड़े की व्यवस्था, क्योंकि रेलवे में जब कोई चीज ट्रांसपोर्ट होती है तो उसकी लागत कम होती है बजाय सड़क के। अगर रेलवे में ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा तो लागत कम आएगी, अंततः उसका फायदा देश को होगा कि महंगी चीजें कम होगी। जैसे कि बात की जाए इस बजट में तो जो कमर्शियल सिलेंडर है उसके दाम जो है वो बड़े हैं, तो उससे क्या देखा जाएगा आम जनता के लिए? देखिए, कमर्शियल सिलेंडर का महत्व इसलिए है कि हर दुकानदार उसका उपयोग करता है, रेस्टोरेंट वाले उसका उपयोग करते हैं, तो उसका असर, मामूली असर पड़ेगा। लेकिन इससे एक बात और साबित होती है कि निर्मला सीतारमण जी ने बजट में लोक लुभावन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया है। इनकम टैक्स के स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया है, आमतौर पर टैक्सेशन में कारपोरेट टैक्स में कमी के अलावा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया। ये लोगों की अपेक्षा थी कि शायद टैक्स में छूट पड़ेगी, ये आखिरी बजट है सरकार का, इसके बाद फिर चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। कहा गया कि पिछली बार हमने 7 लाख रुपए तक की आय को कुछ शर्तों के साथ करमुक्त कर दिया है, वो काफी है, यानी कोई नया तोहफा नहीं दिया। और ये अपेक्षा क्यों करना सरकार से कि चुनाव आने वाले तो सरकार तोहफा देगी, रियायत देगी, अंततः तो सारा पैसा जनता का ही है। एक बात और दीर्घकालिक बात कही गई कि जो बजट घाटा है उसे कम करके 4.5% तक लाने की कोशिश रहेगी। जब मोदी जी ने सरकार संभाली थी तब बजट घाटा इतना ही था, फिर बाद में बढ़ गया, वो 1.5% से ज्यादा बढ़ गया, उस बजट घाटे को कम करने की कोशिश। बजट घाटा वो होता है जिसमें सरकार अपने पैसे की कमी नोट छाप के पूरा करती है। अगर सरकार ज्यादा नोट छापेगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो सरकार होने का मतलब ये नहीं कि चाहे जितने नोट छाप ले और सरकार अपना काम करे। तो मुझे लगता है कि ये चीज बहुत ही सोच समझ कर है। अपेक्षाएं बहुत सारी थी लोगों को कि युवाओं के लिए कोई नई स्कीम लाई जाएगी, सेना में भर्ती के बारे में कोई बात होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं की गई। इसके दो एक और नतीजा निकला कि मोदी सरकार मुतमईन है, कॉन्फिडेंस से अपने परफॉर्मेंस पे कि हम जो काम कर रहे हैं वो परफेक्ट है और हमें किसी लालच की, मतदाताओं को कोई लालच देने की। आपसे बात करेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार को जो है वो कॉन्फिडेंस है, लेकिन कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ प्रवक्ता जो हैं वो ये कहते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में इस बजट के बाद ये देखा जाएगा कि ये सत्ता में रहेंगे भी या नहीं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? कांग्रेस का बयान राजनीतिक बयान है जी, और कांग्रेस का काम है कि इस बयान की कमियां निकाले, इस बजट की कमियां निकाले, बजट में क्या क्या चीजें रह गई है उन कमियों की तरफ ध्यान दिलाए, ये कांग्रेस का काम है, उसने अच्छे से अपनी बात कही। हाँ, लोगों की अपेक्षाएं बहुत थी कि बजट में ये चीजें होगी, हमें सुविधा मिलेगी, युवकों को रोजगार के नए साधन मिलेंगे, लेकिन रोजगार जनरेट करना कोई ऐसा काम नहीं कि आज बटन दबाया और 4 महीने में रोजगार जनरेट हो गया। हर नियुक्ति के लिए योजनाएं होती है, योजनाबद्ध तरीके से उसके लिए पैसे का प्रावधान किया जाता है, डिपार्टमेंट वाइज तैयारियां निकाली जाती है, क्या क्या जरूरतें हैं ये बताया जाता है, तब कहीं जाके कोई भी प्रावधान, बजट का प्रावधान अमल में आता है। हाँ, सरकार ने इस बजट में हमारी सुरक्षा पर खर्च 3% से भी ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसकी बहुत जरूरत थी। अब कई लोग कहते हैं, कई दुनिया के कई देश कहते हैं कि भारत अपनी सुरक्षा पर बहुत खर्च करता है, लेकिन फिर भी भारत की सुरक्षा का खर्च पड़ोसी देशों की तुलना में बहुत कम है, और बगैर अगर हमने सुरक्षा के पर क्षमा करें, अगर हमने सुरक्षा पर खर्च नहीं किया तो हमारी गति, विकास की गति कहाँ अवरुद्ध होगी कह नहीं सकते। सुरक्षा पे किया गया खर्च भी रचनात्मक खर्च है, प्रोडक्टिव खर्च है, ऐसा मैं मानता हूँ। रुचिका, हमारे साथ विभिन्न विषयों पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जिन्होंने हमारे साथ बजट को लेकर, अंतरिम बजट को लेकर विभिन्न विषयों पर बातचीत करी। ऐसे ही देखते रहिए एशियन भारत। नमस्कार।